फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चोको चिप्स कुकीज़। तो चोको चिप्स कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाउल लिया है। अब हम इसमें बटर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बटर हमारा जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है, आप चाहो तो अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बटर लिया है। अब हम इसे विस्क की सहायता से अच्छी तरीके से बीट करेंगे। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट और फ्लफी सा नहीं हो जाता, साथ ही हमारा जो बटर का कलर है वो येलो से थोड़ा सा लाइट शेड का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। हमें ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से बीट करते जाना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, जिससे कि कुकीज़ का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। आप चाहो तो चॉकलेट एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक छन्नी रखेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने 1 कप ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने कप को एकदम लेवल करके मैदा लिया है। हमें ज़्यादा भरकर कोई भी चीज़ डालनी नहीं है। साथ ही हम यहाँ पर 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर को एकदम लेवल करके लिया है। अब हम यहाँ पर हमारी जो सारी सूखी सामग्री है उसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब हम इसे स्पैचुला की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आप हाथों की सहायता से भी इसे मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि स्पैचुला से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसे मिक्स करना। तो यहाँ पर मैंने हाथों की सहायता से इसका एक डोसा लगा लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरीके से कम्बाइंड नहीं हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपका बैटर अच्छी तरीके से कंबाइंड हो जाए तो आप इसे मिल्क को स्किप कर सकते हो। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप चोको चिप्स ली है। तो आधी चोको चिप्स हम इस डो में डाल देंगे और आधी जो हमारे पास बच जाएगी हम उसे आगे यूज़ करेंगे। तो चोको चिप्स को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे लिया है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे और साथ ही हम इस पे बटर पेपर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पून की सहायता से कुकीज़ बनाई हैं, जिससे कि सेम साइज़ की कुकीज़ बनेगी। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से हमारा बैटर लेंगे और उसे राउंड शेप में घुमाकर हल्का सा फ्लैट करके कुकीज़ की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की कुकीज़ बनाई है। अगर आप थोड़ी छोटी कुकीज़ बनाएंगे तो वो जल्दी बेक हो जाएगी, उस हिसाब से आप टेम्परेचर और टाइम मेंटेन कीजिएगा। अगर आप इस साइज़ की कुकीज़ बनाते हैं तो ये 15 से 20 मिनट में बेक हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी कुकीज़ बना ली हैं। अब हम इसके ऊपर चोको चिप्स लगाएंगे। तो हम इसी तरह से सारे चोको चिप्स कुकीज़ में लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने ओवन को 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे 15-20 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारी चोको चिप्स कुकीज़ बनकर रेडी हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। आप इसे कभी भी गरम गरम में मत निकालिएगा, क्योंकि गरम में कुकीज़ सॉफ्ट होती हैं और टूटने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी चोको चिप्स कुकीज़ बनकर रेडी हैं। आप इसे कॉफ़ी और चाय के साथ इंजॉय करिएगा और हमारी रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।